नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। एमएड 2022-23 एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुकी है। ये पोर्टल है सीईटी के लिए, जो जहाँ पर अब तक आपने सीईटी की प्रोसेस कंप्लीट की थी, अब आपको कैप मतलब सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस के लिए, एडमिशन के लिए आपको इस पोर्टल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आकर आपको एमएड कोर्स पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर हम इस एमएड पोर्टल पर आ गए हुए, जहाँ पे अब सारी एडमिशन प्रोसेस आपको इसी वेबसाइट पे करनी है। इसको आप सेव करके रखिए ताकि बार बार आपको ये ढूंढना ना पड़े। इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। यहाँ पर आकर आपको पता चलेगा ये डैशबोर्ड है। यहाँ पर इनटेक कितने टोटल सीट अवेलेबल है महाराष्ट्र में, ये आपको पता चलेगा एमएड के लिए, और कितने एप्लीकेशन आए हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड, ये सब डेटा यहाँ पर आपको डैशबोर्ड पर देखने को मिल सकता है। यहाँ एडमिशन शेड्यूल है, उसके पहले आप ब्रोशर देखिए और ब्रोशर डाउनलोड करके उसको पूरी तरह से पढ़िए, ताकि आपको सारे एडमिशन्स के रूल यहाँ पे पता चल जाए। उसके बाद चलते हैं होम पर, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका कैप का शेड्यूल क्या है, सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस का। ये सारा प्रोसेस इसी वेबसाइट पर होगा। आपको यहाँ जब ये प्रोसेस शुरू होगा, यहाँ से आप लॉग इन कर सकते हो या न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जो कि अवेलेबल हो जाएगा। शेड्यूल की तरफ आते हुए समझते हैं कि ये प्रोसेस कैसे, ये 1 से लेकर 9 तक जो ये प्रोसेस अब तक हो चुके हैं, या फिर ये कॉलेजेस से रिलेटेड है। आपके लिए, कैंडिडेट के लिए प्रोसेस शुरू होती है ये 10 सीरियल नंबर से, जहाँ से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है, जो तारीख है 28 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक आप ये ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो। इस ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं रिजर्वेशन के, क्वालिफिकेशंस के, और यहाँ पर आपको कॉलेज के प्रेफरेंस भी इसी एप्लीकेशन में अभी देने हैं राउंड 1 के लिए। ये होने के बाद एक जनरल मेरिट लिस्ट डेवलप होगी, पब्लिश होगी इसी वेबसाइट पर, जहाँ पर आपको आपका डेटा चेक करना है, आपका नाम, मेरिट स्कोर मतलब सीटी स्कोर, और आपका जो रिजर्वेशन है या टाइप ऑफ कैंडिडेट, वो सब आपको चेक करना है। अगर आपको कुछ करेक्शन करने तो आप वहाँ पर ऑनलाइन आपके लॉगिन से कर सकते हो। उसके बाद फाइनल लिस्ट आएगी 14 तारीख को, और आपको कौन सा कॉलेज मिला है राउंड 1 में, ये आपको पता चलेगा 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को जैसे आपको पता चलेगा, इसके बाद आपको 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक, मतलब 3 ही दिन में आपको जो कॉलेज है वो अगर मिला है तो आपको एडमिशन करना है। कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है, फिज़िकली जाना है, ऑनलाइन नहीं जाना है, फिज़िकल जाना है, डॉक्यूमेंट लेकर और फीस देकर आपको अपना एडमिशन कन्फर्म करना है। मान लीजिए अगर आपको यहाँ एडमिशन नहीं लेना है तो आप डिनाई कर सकते हो, आप वेट कर सकते हो राउंड 2 के लिए, आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो। एक बार आपने एडमिशन ले लिया किसी कॉलेज में तो आप अगले राउंड्स के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। फिर राउंड 2 के लिए एप्लीकेशन खुलेंगे, जहाँ पर आप अपने ऑप्शन एडिट कर सकते हैं या एज इट इज़ भी रख सकते हैं। और यहाँ पर वैसे कैंडिडेट जिन्होंने सीईटी दी थी लेकिन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, ऐसे कैंडिडेट राउंड 2 के लिए डायरेक्टली यहाँ पे फिर से एक बार एप्लीकेशन भर सकते हैं, जो उनका रह गया था राउंड 1 के लिए। तो नए कैंडिडेट आ सकते हैं जिन्होंने सीईटी दिए इस साल, और जो पुराने कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वो यहाँ पर अपने ऑप्शन फॉर्म एडिट कर सकते हैं, कॉलेज के प्रेफरेंस आगे पीछे कर सकते हैं। ये 22 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक आप कर सकते हो। इसके बाद इसका जो डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन ऑनलाइन ही होता है, जैसे कि राउंड 1 में भी लिखा है, राउंड 1 में भी ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। ये ई वेरिफिकेशन होता है, ऑनलाइन ही होता है। तो आप एप्लीकेशन करने के बाद ये मत समझे कि आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया, आपको रेगुलरली चेक करना है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वेरीफाइड हुआ है कि नहीं हुआ है, आपने जो अपलोड किए डॉक्यूमेंट, अगर वहाँ पे पेंडिंग दिखाते हैं तो इसका मतलब अब तक वेरीफाई नहीं हुआ है। अगर वेरीफाई हो जाता है तो वेरीफाइड दिखाता है, अगर नहीं है तो डिस्क्रिपेंसी दिखाता है। अगर आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है वो, या फिर आपके डॉक्यूमेंट में क्लैरिटी ना हो, इस वजह से आपके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो सकते हैं। अगर आपने उसको फिर से अपलोड नहीं किया इसी डेट के अंदर तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए आपका एप्लीकेशन अपलोड करने के बाद आप कंटिन्यूसली देखते रहिए आपका फॉर्म अप्रूव्ड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो राउंड 2 में आपको पता चलेगा कि कब आपका एडमिशन हुआ है। ये 10 नवंबर को आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। अगर आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है तो आप 10 से लेकर 15 नवंबर तक आपका अपना एडमिशन करवा सकते हो। और फिर तीसरा राउंड आएगा, इंस्टीट्यूशनल राउंड। ये कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं है, सेम फीस होती है, और यह प्रोसेस भी ऑनलाइन ही होती है।
इसी वेबसाइट के आपको कॉलेज के प्रेफरेंस फिर से एक बार देने होते हैं इस राउंड के लिए। अब यहाँ पे इस राउंड के लिए फ़र्क ये है कि यहाँ आपको हर कॉलेज में आपके मेरिट के अनुसार उस कॉलेज की लिस्ट में आपका नाम आएगा। अगर आपका वहाँ के जितने सीट्स अवेलेबल है उसके मेरिट में आ जाता है तो आपका एडमिशन वहाँ हो सकता है, नहीं तो आपका वेटिंग में नाम रह जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस होती है और 30 नवंबर तक ये एडमिशन प्रोसेस सारी कंप्लीट हो जाएगी। नीचे दिया गया है कि ये टेंटेटिव शेड्यूल है और आपको आपको डॉक्यूमेंट भरते समय करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। तो ये पूरा प्रोसेस है, ये शेड्यूल यहाँ पर अवेलेबल है, आप उसके अनुसार ये डाउनलोड करके शेड्यूल भी देखिए, ब्रोशर भी देखिए और उसके अनुसार आपका एप्लीकेशन करेक्ट मैनर में भरिए ताकि आपको जल्दी से एडमिशन मिल जाए। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।